नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के पले। जहां पिछले दिनों COVID-19 का टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा था, वहीं अब टीकों में किल्लत देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि मंगलवार से कई सरकारी टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के पास COVID-19 की कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो गई है। दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे तक केवल 36,310 वैक्सीन डोज ही लगाई जा सकी, जबकि पहले रोजाना करीब 1.5 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा रही थी। वैक्सीन की कमी की रिपोर्ट को शेयर करते हुए सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि दिल्ली में वैक्सीन फिर खत्म हो गई है। केंद्र सरकार 1-2 दिन की वैक्सीन देती है, फिर हमें कई दिन वैक्सीन केंद्र बंद रखने पड़ते हैं। केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है? इतने दिन बाद भी हमारे देश का वैक्सीन प्रोग्राम लड़खड़ा कर क्यों चल रहा है? दिल्ली सरकार बार बार वैक्सीन की खुराक की कमी का मुद्दा उठाती रही है। न्यूज एजेंसी PTI ने एक बुलेटिन के हवाले से लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह कोविशील्ड की 19,000 खुराक और कोवैक्सीन की 2,39,000 खुराकें थी। बुलेटिन में कहा गया है कि सोमवार को कुल 36,238 टीके की खुराक दी गई, जिससे दिल्ली में अब तक दी गई खुराकों की कुल संख्या 90,36,904 हो गई है। महाराष्ट्र जैसी कई अन्य राज्यों ने भी वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहे SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।